बांदा तईदवारी थाना क्षेत्र के गांव में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने खुद को गोली पैर में गोली मार ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति सामान्य है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें, पूरा मामला तईदवारी थाना के भुजरक गांव का है, जहां गांव में रहने वाले किशन कुमार यादव का परिवार रहता है। शुक्रवार को के किशन ने खुद को पैर में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़ पड़े। परिजनों ने देखा तो किशन जमीन पर पड़ा हुआ था। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे खतरे से बाहर बतलाया। सूचना मिलते ही पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई, जहां उन्होंने परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। वही क्षेत्राधिकारी नगर आर के सिंह का कहना है कि युवक की अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई होती रहती थी, जिसके चलते आज उसने अपने आप को अवैध तमंचे से पैर पर गोली मार ली है। घटना में अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है। वही घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम बांदा मंडल प्रभारी की रिपोर्ट। गोलीकांड आया है, कोई और अपने अपने पैर में गोली मारी, क्या है मामला और किस तरह से? ये किशन कुमार यादव नाम का एक युवक ग्राम भुजरक थाना तिद्वारी का है, जिसने पारिवारिक कलह के कारण शराब के नशे में अपने पैर में गोली मार ली है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका पत्नी से उसका विवाद चल रहा है। तो सर, ये क्या जांच हो रही है, तमंचा कहाँ से आया, क्या क्यों गोली चली? अवैध तमंचा था क्या? पुलिस से इसकी जांच कर रही है, और अभी तक की जानकारी के हिसाब से तमंचे से ही गोली लगने की बात आ रही है। बरामदगी के प्रयास किया जा रहा है।